साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस, 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, टू व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स, साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 03192233822। डॉलीगंज से गाराचरामा जाने वाली सड़क काफी दयनीय स्थिति में है। वर्षों से सड़क का रखरखाव तथा मरम्मत नहीं होने से पूरी तरह से जर्जर हालत में पहुंच गई है। इस मार्ग से गाराचरामा तथा आटम पहाड़ जाने वाले लोग काफी दिक्कतों का सामना करते हैं। हालांकि अंडमान लोक निर्माण विभाग की ओर से गड्ढे भरने का काम किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि क्या केवल गड्ढे भरने से सड़क ठीक हो जाएगी? लोगों का कहना है कि बारिश के समय जो गड्ढा भरा जाता है वह भी वाहनों के चलते बाद में उखड़ जाता है, इससे सड़क की स्थिति और भी अधिक खराब हो जाती है। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि पिछले 8 वर्षों से सड़क की मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है। क्षेत्र के लोग सड़क को दोबारा से बनाने की मांग कर रहे हैं। APWD के कर्मचारियों ने बताया कि जल्द ही सड़क की मरम्मत के लिए टेंडर निकलने वाला है। टेंडर निकलने के बाद से सड़क के निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। नमस्कार, न्यूज अब तक में आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं आटमपाड़ वाले रास्ते में और ये रास्ता जो है गैराचरमा से होते हुए आटमपाड़ और डॉलीगंज के लिए निकलते हैं और यहाँ पे कई सारे हेवी गाड़ी चलने की वजह से यहाँ का जो है रास्ता कई वर्षों से खराब पड़ा हुआ है और यहाँ पे जो है अभी फिलहाल मेंटेनेंस का काम चल रहा है APWD के द्वारा। तो यहाँ जो है इस रोड को नहीं बनाने की वजह से यहाँ से आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। तो कई लोग हमें फ़ोन करने के बाद में आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। लोग नहीं पहुँचे, कोई सामने नहीं आना चाह रहा है, मगर हम पहुंचे हैं, आपको दिखाते हैं। ये जो रास्ता जो है अभी जो काम चल रहा है, ये लोगों का कहना था कि ये कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बनाया जा रहा है। नहीं, हम आपको क्लियर कर देते हैं, ये जो है APWD द्वारा इसको मेंटेनेंस किया जा रहा है। ये जो रास्ता है ये इसका तो मेंटेनेंस APWD द्वारा। तो ये बताइए ना, ये कहाँ से कहाँ तक होगा? ये आपके जंक्शन से हमारा APWD, ये लेके आंगनवाड़ी है ना, वहाँ तक पूरा स्कूल है ना, डॉलीगंज स्कूल, और ऐसे ICMR तक हमारा। तो इसका क्या टेंडर हुआ है या नहीं? टेंडर अभी तक नहीं हुआ, टेंडर में प्रोग्रेस है। ये तो APWD द्वारा हो रहा है। तो ये बताइए ना, ये आसपास में जो रबिश डाले हुए हैं वो किस लिए डाले, क्योंकि लोग कंफ्यूज है, ये क्या रोड में इस्तेमाल करेंगे कि नहीं, ये उनका शंका है। बार में डालने के लिए, साइड का बम्स है ना जी, साइड में डालेंगे। तो ये कब तक कम्प्लीट हो जाएंगे? ये तो अभी हम लोग शुरू का मौसम अच्छा लगा तो हम जाता गड्ढा है उसको रिपेयर करते हैं। यहाँ से आने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती है। चलिए हम लोग बात करेंगे। डैमेज है सर, बहुत साल से ऐसी है, ऐसे ही है। आप यहीं से आना जाना करते हैं? हाँ जी, आना जाना। अच्छा, आप आना जाना करते हैं? हाँ, रोज सुबह मेरी बेटी को स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो आना जाना होता है, हर दिन में 2 बार तो आ जाती। कितने साल से ऐसा? ये पिछले 8 ईयर से मैं यहाँ यहीं से आ जा रही हूँ, तो 8 ईयर से ही ऐसे ही है। तो इसके लिए आप लोग कहीं कंप्लेंट किए हैं? नहीं, कंप्लेंट वगैरह तो उतना ज़्यादा हम लोग, क्योंकि पहले ये रोड उतना हम लोग यूज़ नहीं करते थे, अभी फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा है और बहुत लोग यही रोड से आना जाना कर रहे हैं, तो अभी ज़्यादा हम लोग को प्रॉब्लम लग रहा है। मोस्टली जब ये रेनी सीज़न होता है, जितना ये लोग रबिश डाल के उसके ऊपर में मटेरियल डाल के रोड रोलर चला के छोड़ रहे हैं, ये जो ऊपर में जो सैंड रहता है या उसके ऊपर में जो भी मिट्टी वगैरह डालते हैं वो वॉश आउट हो जाता है। उसके बाद में बहुत रिस्की होता है चलाना, गाड़ी चलाना बहुत ही रिस्की होता है, क्योंकि सिर्फ मटेरियल पत्थर रह जाता है, उसके ऊपर से गाड़ी चला के आना बहुत रिस्की होता है, बहुत एक्सीडेंट होने का चांसेस होता है। लेकिन एक्सीडेंट हुए हुआ मुझे, मेरा नॉलेज में तो नहीं है। ये बताइए ना, ये APWD वाले कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? बहुत बार मैंने देखा इनको मेंटेन करते हुए रोड को, लेकिन कभी रोड सही से मेंटेन हुआ ही नहीं है। अभी तो कैमरे के लिए ये जो बिटुमिन वगैरह यूज़ किया है, इसके पीछे में भी 2-3 जगह इन्होंने मेंटेनेंस किया हुआ है, जस्ट ऊपर से रोलर चला के छोड़ दिया है। ये पत्थर चलाते हैं, हाँ, बिटुमिन वगैरह यूज़ नहीं करते हैं ये लोग, अभी तो जस्ट आप लोगों के लिए है ये। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।